आज आप सभी को इस वीडियो में हम स्टार प्लस पे आने वाले सीरियल एमली स्टार कास्ट के रियल नेम और रियल एज के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरियल में अनु का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का। तो इनका रियल नेम ज्योति ग्वाबा है और इनका जन्म 16 जुलाई 1982 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 39 साल है। नंबर दो, सीरियल में अपर्णा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम रितु चौधरी है और इनका जन्म 1979 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 42 साल है। नंबर तीन, सीरियल में मीठी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम किरण खोजे है और इनका जन्म 1983 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 37 साल है। नंबर चार, सीरियल में अमली का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम सुम्बुल तकदीर खान है और इनका जन्म नवंबर 2003 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 18 साल है। नंबर पाँच, सीरियल में आदित्य का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम मानसी वशिष्ठ है और इनका जन्म 1 सितंबर 1991 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 30 साल है। नंबर छः, सीरियल में मालिनी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम मयूरी देशमुख है और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1992 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 29 साल है। नंबर सात, सीरियल में आर्यन का किरदार निभा रहे एक्टर का रियल नेम फहमान खान है और इनका जन्म 4 सितंबर 1990 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 31 साल है। नंबर आठ, सीरियल में अर्पिता का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम राजश्री रानी है और इनका जन्म 8 दिसंबर 1987 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 34 साल है। नंबर नौ, सीरियल में रूपाली का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का रियल नेम प्रीत कौर है और इनका जन्म 1986 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 35 साल है। नंबर 10, सीरियल में सुंदर का किरदार निभा रही एक्टर का रियल नेम गौरव मुकेश है और इनका जन्म 12 अगस्त 1993 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 28 साल है। नंबर 11, सीरियल में निशांत का किरदार निभा रहे एक्टर का रियल नेम अरहान अब्बासी है और इनका जन्म 30 जून 1990 में हुआ था। तो फिलहाल इनकी उम्र 31 साल है। वेल, तो हमने आप सभी को सीरियल इमली स्टार कास्ट के रियल नेम और रियल एज के बारे में बताया। आप सभी को ये शो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।